फ्रेंड्स, सो वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ऑसम ट्रेनिंग ट्यूटोरियल। तो दोस्तों, मैं मनीष आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑसम ट्रेनिंग ट्यूटोरियल में। तो दोस्तों, अभी आपने स्टार्टिंग में देख ही लिया होगा। तो फ्रेंड्स, इस तरह के 3D इफेक्ट वाले स्टेटस वीडियो आप लाइट मोशन एप्लीकेशन की मदद से बनाना चाहते हो, फ्रेंड्स पूरी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। दोस्तों, इस एडिटिंग के लिए डायरेक्ट मैं प्रीसेट लिंक आपको दे दिया हूँ, मेरे वेबसाइट पर अपलोड है। आपको वहाँ जाकर दो ठो प्रीसेट लिंक मिलेगा, एक लिरिक्स के लिए और एक फुल प्रोजेक्ट के लिए। तो आप अगर मेरा वाला सॉन्ग और लिरिक्स यूज करना चाहते हैं तो आप लिरिक्स को भी ऐड कर लीजिएगा एलाइट मोशन में। सिंपली उस पर टैप करना है। आप टैप करने के बाद थोड़ा सा लोडिंग लेगा और डाउनलोड हो जाएगा आपके फ़ोन में। तो डाउनलोड करने के बाद आपको एलाइट मोशन एप्लीकेशन को ओपन करना है, मतलब ऑटोमेटिक ही आपका एलाइट मोशन शायद ओपन भी हो जाएगा। तो यहाँ पे आने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। प्रोजेक्ट का ऑप्शन देख रहे हैं, इस पर सिंपली टैप कर लीजिए। टैप करने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको सबसे पहले ओपन करना फुल प्रोजेक्ट बाय ऑसम ट्रेनिंग ट्यूटोरियल करके, तो इसे ओपन कीजिएगा। और फ्रेंड्स, इसे ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। फ्रेंड्स, इस साइड में कॉर्नर पर एक ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करके यहाँ पे आपको मीडिया वाले ऑप्शन में टैप कर देना है, तो कुछ इस तरह से आ जाएगा। अभी आप इसे इस तरह से आगे करके देख सकते हैं, तो यहाँ पे कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हो। और यहाँ पे जितने भी मॉडल यूज हुए उतना आपको भी मॉडल यूज करना होगा। तो मॉडल का कुछ PNG पार्ट यहाँ पर यूज हुआ है, जैसे बॉय का अलग, गर्ल का अलग, और कुछ यहाँ पर फुल फोटो यूज हुआ है। देख सकते हैं यहाँ पर वेडिंग टाइप का यहाँ पे मैंने यूज किया था। तो आप चाहे तो वेडिंग स्पेशल फोटो अगर आपके पास हो वेडिंग का, तो आप उस पर एडिटिंग कर सकते हैं, या फिर नहीं हो तो आप डायरेक्ट इसी तरह से कोई भी नॉर्मल फोटो यूज करके आप इस पर एडिटिंग कर सकते हैं। तो हम सॉन्ग यहाँ पे ऐड करेंगे, उससे पहले ये एडिटिंग कंप्लीट करते हैं। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे स्टार्टिंग में नीचे आ जाना है, ठीक है, इतना पे, और यहाँ ऊपर की तरफ स्क्रॉल कीजिएगा तो सबसे लास्ट में यहाँ पे ऊपर आप देख सकते हैं बॉय और गर्ल दोनों का इमेज यहाँ पे दिख रहा है। तो सबसे पहले गर्ल वाले को सिलेक्ट कर लेते हैं। करने के बाद कलर एंड फील पर चलेंगे, यहाँ पे टैप करेंगे। टैप करने के बाद फोटो, मतलब ये वाला जो मीडिया वाला ऑप्शन दिख रहा है, इस पर सिंपली क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पे आप जो भी इमेज लेना चाहते हो उसका PNG आपको लेना होगा। तो मैंने कुछ PNG बनाकर रखा है, मतलब कुछ फोटो का PNG मैंने क्रिएट कर रखा है, तो मैं यहाँ से फोटो का PNG ले लेता हूँ। जो भी मॉडल इमेज आप यहाँ पे लेना चाहते हो उसे ले लीजिएगा। तो अभी आपको वहाँ पर सिंगल गर्ल का इमेज लेना है, तो मैं देख लेता हूँ दूसरा कोई इमेज मेरे पास होगा तो मैं ले लूँगा। तो यहाँ पे तो काफ़ी सारी इमेज है मेरे पास, तो चले तब तक मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ, देन यहाँ पे प्लस कर देते हैं। इमेज यहाँ पे ऐड हो गया, बट यहाँ पे हाइट वेट दोनों एडजस्ट करना होगा। तो उसके लिए यहाँ से बैक आइएगा, एडिट शेप में जाइएगा, और यहाँ पे हाइट इसका ज़्यादा लग रहा है तो आपको क्या करना है, इसका वेट पहले आपको इस तरह से बढ़ा देना है। तो अभी देख सकते हैं हाइट वेट दोनों एडजस्ट लग रहा है, तो अब यहाँ से बैक आइएगा, मूव इट ऑप्शन में जाइएगा, जूम वाले ऑप्शन पर जाकर इसे जूम आउट कर दीजिएगा हल्का सा। तो इतना पे अब सही लग रहा है, और मूव वाले ऑप्शन की मदद से देख लीजिए कितना आप ऊपर रख सकते हो, तो इतना पे हम इसे रख सकते हैं, ठीक है। अभी आप इसे प्ले करेंगे तो कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं इस तरह से। तो ये परफेक्ट यहाँ पे गर्ल वाला जो इमेज है, ये परफेक्ट यहाँ पे सेटअप हो चुका है। अब बॉय वाला जो इमेज है, इस पर हमें इफेक्ट देना होगा। तो उसके लिए इमेज को सिलेक्ट कीजिएगा, करने के बाद कलर एंड फील में जाइएगा, और यहाँ पे जो ये वाला ऑप्शन मीडिया वाला, इस पर टैप कर लीजिएगा। टैप करने के बाद एक बॉय का इमेज आपको यहाँ पे लेना है, तो जो भी इमेज आप यहाँ पे लेना चाहते हो उस इमेज को ले लीजिएगा। मैं देख लेता हूँ मेरे फ़ोन में बॉय वाला का भी इमेज होगा जो बैकग्राउंड रिमूव किया हुआ होगा, तो वहाँ से मैं एक तो इमेज ले लूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे इमेज तो काफ़ी सारे हैं, तो चलिए तब तक के लिए मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ, देन यहाँ पे प्लस करते हैं। प्लस करने के बाद इमेज यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब इसे थोड़ा सा जूम करना होगा आपको, तो यहाँ पे आइएगा, मूव इट ऑप्शन में जाइएगा और जूम वाले ऑप्शन पे जाकर इसे जूम कर, ये जूम नहीं होगा फ्रेंड्स, ठीक है। ये फोटो को आपको फिंगर की मदद से जूम करना होगा, तो यहाँ पे मैं फिंगर, दोनों फिंगर की मदद से इसे जूम कर रहा हूँ। जूम बटन की मदद से आप जूम नहीं कर पाइएगा। अब इसके बाद यहाँ से बैक आइएगा, एडिट शेप में जाइएगा, इसका भी हाइट वेट आपको एडजस्ट करना होगा, तो इसका वेट आप थोड़ा सा बढ़ा दीजिएगा, हाइट जैसे वैसे रहने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब यहाँ पे देख सकते काफ़ी अच्छी तरह से एडजस्ट हो गया, तो कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट जो क्लिप है वो काफ़ी अच्छी तरह से एडजस्ट हो गया। फर्स्ट क्लिप आपका कितना टाइम का है, 9 सेकंड का है, यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद सेकंड क्लिप में आ जाना है, और यहाँ पे आपको 3 ठो इमेज लेना होगा, ठीक है। तो फर्स्ट गर्ल का ये वाला नहीं, फर्स्ट गर्ल ये वाला इमेज जो आपको दिख रहा है इसे सेलेक्ट कीजिएगा, कलर एंड फील पर सेलेक्ट कीजिएगा, और ये वाला जो ऑप्शन दिख रहा है इस पर टैप कर लीजिएगा। टैप करने के बाद जो भी इमेज आप यहाँ पे लेना चाहते हो उस इमेज को ले लीजिए। तो चलिए तब तक के लिए मैं इस इमेज को सिलेक्ट करता हूँ, देन यहाँ पे प्लस कर लेते हैं। प्लस करने के बाद कुछ इस तरह से आएगा, देन यहाँ से बैक आइए, बैक करने के बाद एडिट शेप में जाइएगा, और इसका हाइट वेट आपको सही करना हो, तो इसका हाइट तो छोटा है, वेट थोड़ा एडजस्टेबल नहीं लग रहा। तो अब ये देख सकते काफ़ी अच्छी तरह से हो गया, देन यहाँ से बैक आइए, बैक करने मूव इट ऑप्शन में जाकर जूम वाले ऑप्शन में, ये भी जूम नहीं होगा इस बटन की मदद से। तो आपको क्या करना होगा, फिंगर की मदद से इसे जूम कर लेना है। अब जितना भी बड़ा इसे रखना चाहते हैं इस तरह से जूम कीजिएगा दोनों फिंगर की मदद से, और जहाँ पर भी रखना चाहते हैं इसे इस तरह से एडजस्ट कर दीजिएगा। तो ये हो गया, देन यहाँ से बैक आएंगे, बैक करने के बाद अब थोड़ा सा आगे कर लीजिएगा, और ये दो जो इमेज दिख रहा है गर्ल वाला, सेकेंड वाला, ये नीचे जो इमेज दिख रहा है ये वाला है, तो इसे सेलेक्ट कीजिएगा, कलर एंड फील में जाइएगा, ये वाली ऑप्शन पर टैप कर लीजिएगा।
टैप करने के बाद दूसरा जो भी इमेज आप यहाँ पे लेना चाहते हो उस इमेज को ले लीजिएगा। लेने के बाद देख सकते हैं इमेज का जो हाइट वेट है बिल्कुल ही एडजस्ट नहीं है, तो इसे हमें एडजस्ट करना होगा। तो यहाँ से बैक आइएगा, एडिट से अपन जाइएगा और सबसे पहले तो इसका वेट थोड़ा कम कीजिए और इमेज को थोड़ा इस साइड में कर लेते हैं। तो अब वेट थोड़ा इसका ज़्यादा ही कम हो गया, तो इसे इतना पर रख लेते। अभी सही लग रहा है हाइट इसका, वेट ये सही लग रहा है, ठीक है। अब इसे स्क्रॉल करके आप देख लीजिए कहाँ पर रखना चाहते हो। तो मैं इसे यहाँ पर रहने देता हूँ और थोड़ा सा इसे जूम करते हैं। ये जूम करने की वजह क्या हो रहा है, इसे थोड़ा सा जूम कर लेते हैं और इस तरह से हाइट वेट एकदम से एडजस्ट कर लीजिएगा। थोड़ा सा और जूम करते हैं और इसे आप जहाँ पे भी रखना चाहते हैं रख लीजिएगा। तो इसका हाइट वेट ये रहा, ठीक है। अभी ये सही लग रहा है, इस तरह से आप भी एडजस्ट कर लीजिए। करने के बाद अब आपके यहाँ पे जो बॉय वाला इमेज है उसे चेंज करना होगा। तो इमेज को सिलेक्ट कर लीजिए, देख लीजिए वो बॉय आपका कहाँ पे दिख रहा है। तो यहाँ पे ये पूरी तरह से दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी अच्छी तरह से यहाँ पे दिख रहा है। तो इसी तरह से हमें एडजस्ट करना होगा। तो क्या कीजिए, कलर एंड फिल में जाइएगा और फिर यहाँ पे वाले ऑप्शन में टैप कर दीजिएगा। टैप करने के बाद जो इमेज आपका बॉय वाला होगा उसे ले लीजिएगा। तो मतलब कपल वाला इमेज अगर एडिटिंग स्टेटस एडिटिंग आप करते हैं तो एक बॉय एक गर्ल तो होगा ही, तो उसी तरह से आपको एडजस्ट कर लेना है। सेम बॉय सेम गर्ल मैं अलग अलग यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि एंगल अलग अलग होना चाहिए और मेरे पास उतने इमेज है नहीं, तो मैं कोई भी इमेज तब तक के लिए यूज़ कर देता हूँ। आप अच्छे से एक ही मॉडल का यूज़ कीजिएगा, जैसे हस्बैंड वाइफ दो होते हैं तो उन्हीं का फ़ोटो आप यूज़ कीजिएगा वहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे कोई सा भी मैं देख ले तो काफ़ी सारे तो इमेज है मेरे पास, बट कौन सा इमेज यहाँ पे एडजस्ट होगा ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो चलिए तब तक के लिए मैं इस इमेज को लेता हूँ, देन यहाँ पे प्लस कर देते हैं। इमेज यहाँ पे आ गया, अभी इसका हाइट वेट आपको एडजस्ट करना है। तो एडिट शेप में जाना होगा और इसे इसका हाइट तो सही है, वेट थोड़ा सा बढ़ा देंगे। देन यहाँ से बैक आएंगे, बैक आने के बाद अगर इसे आप जूम आउट करना चाहते हो फिंगर की मदद से इसे कर लीजिएगा और फिर जहाँ पे भी रखना चाहते हो तो इस तरह से रख लीजिएगा। अभी एकदम परफेक्ट सेटअप है, ठीक है। अब यहाँ पे इसका काम भी हो चुका है, अब यहाँ से आपको बैक आना। तो ये आप देख 18 सेकेंड का आपका काम कम्प्लीट हो गया। अब इस साइड में आप देख सकते 3 फ्रेम यहाँ पर लगा हुआ है, ठीक है। तो अलग अलग फ्रेम में अलग अलग इमेज है, तो फर्स्ट फ्रेम पे क्लिक कीजिएगा और इमेज यहाँ पे देख सकते हैं, इमेज आपका बड़ा भी हो सकता है छोटा भी हो सकता है, फ्रेम के एडजस्टेबल तो होगा नहीं तो उसे एडजस्ट भी करना होगा। तो इसलिए पूरी वीडियो देखिएगा तभी आप अच्छे से कर पाएंगे, नहीं तो प्रॉब्लम होगी आपको। तो यहाँ कलर एंड फिल पर क्लिक करेंगे, फिर से ये वाले ऑप्शन में टैप कर देंगे। टैप करने के बाद आपको जिस भी फाइल में इमेज है उस फाइल में चले जाना है और जो भी इमेज यहाँ पे लेना चाहते हो उस इमेज को ले लीजिएगा। तो चलिए मैं तब तक के लिए राधा कृष्ण का इमेज यहाँ पे जो आप देख सकते हैं इसी को यूज़ कर लेता हूँ, या फिर ये कपल वाला इमेज है इसे मैं यूज़ कर लेता हूँ। आप कोई भी इमेज जो जिसका एडिटिंग कर रहे हैं उसी का यूज़ कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो कुछ इस तरह से आ गया। अब इसे आपको क्रॉप करना होगा क्योंकि ऐसे तो ये एडजस्टेबल लग रहा है, बट और भी इसे अच्छे से आप एडजस्ट करना चाहें तो इसे थोड़ा सा क्रॉप करना होगा। तो सबसे पहले तो इसे मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। और इसे क्रॉप कैसे करेंगे, तो यहाँ पे इफेक्ट में जाइएगा, वाइप इफेक्ट इसमें लगा हुआ है। अब स्टार्टिंग के ऊपर कीजिएगा तो ये ऊपर की तरफ जाएगा और इस साइड में कीजिएगा तो ये नीचे की तरफ आएगा, जैसे आप देख सकते हैं। तो स्टार्टिंग को थोड़ा सा नीचे कर लीजिए ताकि ऊपर जो गैपिंग ज़्यादा है तो गैपिंग थोड़ा कम हो जाए। और एंड पर जाइएगा, एंड को आपको थोड़ा सा नीचे कर लेना ताकि जो यहाँ पर पैर कट रहा है वो ना कटे, ठीक है। तो यहाँ पे इतना तक इसे कर लीजिएगा जैसे आप देख सकते हैं। अब ये काफ़ी अच्छी तरह से एडजस्ट हो गया। इन्हें से बैक आइए, मूव इट फ्रॉम में जाकर इसे ऊपर जो फ्रेम का जो ये वाला जो देख सकते हैं लाइन जो है इस लाइन के एकदम इस तरह से रख लीजिएगा ताकि देखने में सही लगे। फर्स्ट फोटो हो गया, अब सेकेंड फोटो पे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद इसे आपको थोड़ा सा ऊपर कर देना है इस तरह से, मतलब एकदम से अच्छे से एडजस्ट कर लीजिए जैसे आपको अच्छा लगे। इसके बाद आपको फिर से कलर एंड फिल में जाना है, ये वाली ऑप्शन पे टैप कर लेना है और दूसरा जो भी इमेज आप लेना चाहते हो उस इमेज को ले लीजिएगा। तो मैं सेकेंड कपल का इमेज ले लेता हूँ, शायद ये वाला पहले लिया था या ये वाला ही था। तो चलिए अब इसे ले लेते हैं। लेने के बाद इसका हाइट वेट आपको थोड़ा सा एडजस्ट करना होगा। तो इसका देख सकते हो वेट बढ़ गया, मतलब वेट बढ़ गया। तो यहाँ पे बैक आइएगा और एडिट शेप पे चले जाइएगा, इसका हाइट आपको ये वेट थोड़ा सा बढ़ा देना है इस तरह से। और फिर यहाँ से बैक अगर मूव ट्रांसफॉर्म जाएगा, जूम वाले ऑप्शन पे जाकर जूम आउट कर दीजिएगा इस तरह से, ठीक है। अब ये काफ़ी अच्छी तरह से यहाँ पर एडजस्ट हो गया। देन यहाँ से बैक आइए, अब लास्ट वाला इमेज बचा है इसे भी सिलेक्ट करेंगे। इसी तरह से यहाँ पर आपको इसे भी कर लेना है। तो दूसरा कोई भी इमेज यहाँ पर हम लगा लेते हैं तब तक के लिए। तो चलिए तब तक के लिए मैं इसी को लगा देता हूँ। तो इमेज यहाँ पे लग गया, आप देख सकते हो ऊपर ही इमेज कट गया है, नीचे नहीं कट रहा है और ये एडजस्टेबल बिल्कुल भी नहीं है। तो इसे हम एडजस्ट कैसे करेंगे, सेम प्रोसेस। सबसे पहले तो एडिट शेप में चलते हैं और थोड़ा सा इसका हाइट वेट जो आपको एडजस्ट करना है उसे कर लीजिएगा। तो इसका ये रहा वेट, थोड़ा सा बढ़ेगा बस इतना ही। और फिर यहाँ से बैक आ जाएंगे, बैक आने के बाद इफेक्ट में जाइएगा, वाइप पे जाकर स्टार्ट को थोड़ा सा ऊपर की तरफ कर लीजिए ताकि ऊपर हेड पूरा दिखे, गर्ल जो है उसका। और एंड पे जाकर फिर नीचे की तरफ यहाँ पे इसे कट कर दीजिएगा थोड़ा सा। और फिर यहाँ से बैक आकर मूव ट्रांसफॉर्म में जाइएगा, जूम वाले ऑप्शन पर जाकर इस तरह से जूम आउट कर दीजिएगा,
ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसका काम कंप्लीट हो चुका है कुछ इस तरह से। अब एक और मॉडल इमेज यहाँ पे आपको दिखेगा, जो कपल का फुल फोटो यहाँ पे दिख रहा है पीएनजी में, तो इसे सेलेक्ट कीजिएगा। यहाँ पे आपको क्या करना, कलर एंड फिल में चले जाना है, फिर से वाले ऑप्शन टैप कर लेना है। टैप करने के बाद आपका जो पीएनजी जहाँ पे भी होगा वहाँ पे आपको चले जाना है। तो मेरे पास कपल पीएनजी भी काफ़ी सारे हैं, तो मैं यहाँ पे कोई सा भी एक ठो ले लेता हूँ। तब तक के लिए चलिए ये वाले को सिलेक्ट करते हैं, देन यहाँ पे प्लस कर देते हैं। इमेज यहाँ पे आ गया, बट नीचे से देख सकते हैं ये कट रहा है और नीचे से कट ही नहीं रहा है। हाइट वेट भी इसका सही नहीं, तो एडिट शेप में जाएंगे और इसका थोड़ा सा वेट बढ़ाएंगे यहाँ पे, और फिर यहाँ से बैक आएंगे और इफेक्ट में जाकर वाइप पे जाएंगे, और स्टार तो सही है, इंड पे इंड को थोड़ा सा यहाँ पे नीचे की तरफ लेकर आ जाएंगे। तो देख सकते हैं पैड ये सही से आ गया। थोड़ा सा इमेज का हाइट वेट और भी हमें एडजस्ट करना होगा, उससे पहले थोड़ा सा इसे जूम आउट करते हैं और एडजस्ट कर लेते हैं आप इसे कहाँ पे रखना चाहते हैं। तो मैं इसे यहाँ पे रहने देता हूँ, देन बैक करते हैं इफेक्ट में चलकर, और सॉरी इफेक्ट में नहीं, एडिट शेप में, और इसका वेट थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं। तो बस ये हो गया। अब लास्ट दो इमेज यहाँ पर आपका बचा हुआ है, एक गर्ल का एक बॉय का लास्ट इमेज है। तो यहाँ पे गर्ल वाला इमेज को सेलेक्ट कीजिए, कलर एंड फिल में जाइएगा, फिर से वाली ऑप्शन टैप कीजिएगा, एक इमेज गर्ल वाला ले लीजिएगा, जो भी इमेज आप यहाँ पे लेना चाहते हैं। तो मैं इसे ले लेता हूँ तब तक के लिए, और फ्रेंड्स इसे थोड़ा सा मूवी ट्रांसफॉर्म में जाकर जूम आउट करते हैं। इस तरह से काफ़ी ज़्यादा जूम लग रहा है, हमें कोई भी इमेज यहाँ पर लेना है, देखिए अच्छे से इसी तरह से का लेना है। लेने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, एडिट शेप में चले जाना है और इसका भी थोड़ा सा वेट आपको बढ़ा देना है इस तरह से। फिर यहाँ से बैक आना है और बॉय वाले इमेज को सिलेक्ट करना है, कलर में फिल्म में जाना है, फिर से वाली ऑप्शन टैप करना है। यहाँ पे एक बॉय का इमेज आपको ले लेना है, जो भी इमेज लेना चाहते हैं। तो यहाँ पे इस फाइल में तो कोई और इमेज नहीं है, चलिए मेरा ही इमेज मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, फिर प्लस करते हैं। प्लस करने के बाद कुछ इस तरह से आ जाएगा, अब इसे भी एडजस्ट कर लीजिएगा। तो जितना पे रखना चाहते हो उतना पे रख लीजिएगा, जूम आउट करना चाहते हैं, जूम इन करना चाहते हैं, इसे अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लीजिएगा। तो कुछ इस तरह से आ गया। यहाँ पे जो बैकग्राउंड में ये वाला इमेज, जो गर्ल वाला इमेज लगा है, आ जाइएगा, थोड़ा सा इसका ब्लेंडिंग और कम कर दीजिएगा, ये शैडो टाइप का हमें दिखना चाहिए था, तो इस तरह से दिखेगा जैसा आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। अब यहाँ पे वीडियो का कंप्लीट हो चुका है, अब यहाँ पे लिरिक्स आपको ऐड करना है। तो उसके लिए क्या कीजिएगा फ्रेंड्स, यहाँ से बैक आइएगा और जो सेकेंड प्रोजेक्ट आप ऐड किए होंगे उस प्रोजेक्ट का आपको ले लेना है। यहाँ पे उसका नाम था न्यू प्रोजेक्ट सॉन्ग बाय ऑसम ट्रेनिंग ट्यूटोरियल, इसे सेलेक्ट कीजिएगा। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ये वाली ऑप्शन पर टैप कीजिएगा, सेलेक्ट ऑल कर लीजिएगा, और फ्रेंड्स यहाँ पे ये वाली ऑप्शन पर फिर से टैप कीजिए, यहाँ पे कॉपी लेवल लेयर कर लीजिए, फिर यहाँ से बैक आ जाइएगा। बैक करने के बाद मीडिया वाला जो था फुल प्रोजेक्ट वाला, उसे ओपन कीजिएगा। करने के बाद ये वाली ऑप्शन पे टैप कीजिएगा, टैप करने के बाद यहाँ पे पेस्ट 11 लेयर कर दीजिएगा, आपका लेयर यहाँ पे पेस्ट हो चुका है। अभी इस वाले ऑप्शन पे टैप करके ये मीडिया वाले ऑप्शन पे टैप कीजिएगा, अभी आप प्ले करेंगे तो कुछ इस तरह से आएगा। तो ये लिरिक्स तो मैंने जो सॉन्ग लगाया उसी का लिरिक्स है, बट अगर आप चाहते कोई और सॉन्ग लगाना, अपने अकॉर्डिंग मनपसंद सॉन्ग लगाना, तो आप उसे भी एडजस्ट कर सकते हो। उसके लिए आपको सिंपली क्या करना होगा, ये ऑडियो को यहाँ से डिलीट कर देना होगा। डिलीट करने के बाद स्टार्टिंग में आ जाइए, फ्रेंड्स लिरिक्स एक भी डिलीट नहीं कीजिएगा, इसी लिरिक्स में हमें वर्क करना है, तो लिरिक्स रहने दीजिएगा। अब आपको क्या करना, प्लस के आइकन में क्लिक करना है, ऑडियो में जाना है, ऑडियो में जाने के बाद यहाँ पर जो भी ऑडियो पर एडिटिंग करना चाहते हो उस ऑडियो को ले लीजिएगा। लेने के बाद आपको ऑडियो प्ले करके देख लेना है, पूरा एक लाइन पूरा आपको यहाँ पर टाइप करना होगा, तो पूरा लाइन प्ले करके देख लीजिएगा क्या है। तो फर्स्ट लाइन यहां तक आ रहा है, परफेक्ट है एकदम, एक तेरी तलब मुझे ऐसी लगी। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इस वाले को सिलेक्ट करना है, ड्यूरेशन पे क्लिक करना है, यहाँ पे क्लिक कर देना तो फर्स्ट लाइन जो आपका आगे तक आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, इसमें आपको लिरिक्स चेंज करना है, तो इसे सिलेक्ट कीजिए, एडिट टेक्स्ट में जाइएगा और यहाँ पे आपको टाइप कर देना है, एक तेरी तलब मुझे ऐसी लगी, एक तेरी तलब मुझे ऐसी लगी, ठीक है, मैंने टाइप कर दिया, देने यहाँ पे राइट क्लिक कर लेंगे। अभी आप स्टार्टिंग में आकर इसे प्ले कीजिएगा तो कुछ इस तरह से आएगा जैसे आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसी तरह से आपको लिरिक्स एक एक करके, मतलब जैसे यहाँ तक फर्स्ट लाइन आ रहा है 3-13 तक, मतलब इसमें जो सॉन्ग लगा हुआ उसका यहाँ पे आ रहा है, तो उसी के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा आपका, और इसी तरह से एडजस्ट कर लीजिए, या फिर इसी सॉन्ग को भी आप यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप लिरिक्स हटाकर कोई भी सॉन्ग यूज़ कर सकते हैं। लिरिक्स ज़रूरी नहीं, 3D एडिटिंग है इसमें, बिना लिरिक्स का भी आप डायरेक्ट सॉन्ग यूज़ करते हैं तो भी काफ़ी क्रिएटिव लगेगा। राधा कृष्ण का इमेज यूज़ करके राधा कृष्ण का स्टेटस भी बना सकते हैं, या वेडिंग कपल का इमेज यूज़ करके वेडिंग स्टेटस बना सकते हैं, जो कि काफ़ी कमाल का लगता है। तो फ्रेंड्स एडिटिंग कंप्लीट हो चुकी है, सिंपली इसे सेव करना है, सेव करने के लिए ऊपर एरो देख सकते हैं, इस पर टैप कर लीजिए, टैप करने के लिए एक्सपोर्ट वाले ऑप्शन टैप कर दीजिएगा, ये वीडियो आपके फ़ोन में सेव हो जाएगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो तो आपको पसंद आई होगी, दोस्तों वीडियो आप आसानी से बना भी पाए होंगे। दोस्तों आपके लिए वीडियो अगर आपके लिए यूजफुल हुई हो तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिएगा, और इसी तरह की रेगुलर एडिटिंग के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।